नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन सा। नेपाल भारत सीमावर्ती एकटा बाजार में बम विस्फोट, दू गोटे के मृत्यु। लमजुंग में यात्रुवाहक बस दुर्घटना, 8 गोटे के मृत्यु। संघीय गठबंधन द्वारा पाटन दरबार आगू प्रदर्शन, काठमांडू के मीडिया मौन। 10 अलग अलग माओवादी बीच एकता, अंतिम समय में मातृका से हो टीम में। आ 2560 बुद्ध जयंती एवं लुम्बिनी दिवस के तैयारी अंतिम चरण में पहुंचल। मौका एहन फिर नहीं औतई, आई से कम में बीस हम नहीं भेटतई। बजबैत रहू ताली, 3000 छूट में डिस हम आई पाली। आई सा बड़का की है तई खुशियाली, 3000 छूट छै फेर आई पाली। तुम नाच गाओ ताली बजाओ, 3000 के छूट में डिस हम लगाओ। झुम झुम नाच गाओ, झुम झुम नाच बजबैत रहू ताली, 3000 छूट में आई पाली। हाइब्रिड सेटअप बॉक्स सहित के डिसोम एचडी कनेक्शन, 5999 में 3000 छूट छैक, मात्र 2999 में लगाओ आ सब खुशी हो। झुम झुम नाच गाओ ताली बजाओ, 2999 में ही डिसोम लगाओ। डिस होम, डिलाइटफुल लाइफस्टाइल। नवलपरासी संग सीमा जोड़ल भारत के ठुटीबारी बाजार में बम विस्फोट भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि, 3 गोटे घायल भेल अछि। ठुटी बाजार में नेपाली सब समेत किनमेल कर जाय वाला बाजार रहल बताओल गेल अछि। भारत के महाराजगंज जिला के ठुटीबारी के एक कबाड़ी संकलन केन्द्र में विस्फोट भेला से 50 वर्षीय विकास सहनी आ हुनक 5 वर्षीय लड़का अमन के मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। हुनके परिवार के उर्मिला सहनी, निखिल सहनी, ममता सहनी गंभीर घायल भेल अछि। कबाड़ी संकलन केन्द्र विकास सहनी के अछि। विकास नेपाल से पुराना बिगड़ल लोहा, स्टील तथा पीतल के सामान सब किन कर ओत लगेल आ ओकरा प्रशोधन कर के काज करैत आयल बताओल गेल अछि। एकटा बर्तन में पिचा कर ओकरा पघाल के क्रम में 81 बम विस्फोट भेल बताओल गेल अछि। विस्फोट में घायल भेल सबके उपचार के लेल महाराजगंज अस्पताल में पठाओल गेल, स्थानीय पुलिस जानकारी देलक अछि। संकलन कयल गेल उ भाड़ा बर्तन सब नेपाल में द्वंद्व काल में प्रयोग भेला होब सकबाक प्रारंभिक अनुमान कयल गेल अछि। मध्य नेपाल लमजुंग के नगरपालिका वार्ड नंबर 5 जीता आ तामरांग टक्सार के सीमा तामाखानी में यात्रु वाहक बस दुर्घटना भेला से 8 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बस में सवार कमती में 10 गोटे गंभीर घायल भेल समाचार प्राप्त भेल अछि। पुलिस आ स्थानीय के अनुसार बस कच्ची सड़क से करीब 400 मीटर नीचा खसल छल। डीएसपी शंभु प्रसाद ढकाल 8 गोटे के घटनास्थल में मृत्यु भेल पुष्टि कयलनि अछि। हुनक अनुसार घटनास्थल में पुलिस आ ट्रैफिक स्थानीय संग मिलकर उद्धार के काज कर रहल अछि। दमौली से जीता के लेल छूटल ना 6-41-36 नंबर के यात्रुवाहक बस बृहस्पति दिन साँझ में 5 बजे दिस दुर्घटना भेल, पुलिस जनौलक अछि। घायल सबके एम्बुलेंस मार्फत दमौली अस्पताल तनहु दिस ल जा रहल। उद्धार काज में संलग्न ट्रैफिक प्रहरी जवान कृष्ण बीक जानकारी करौने छथि। प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय हेमलाल खवास वैशाख पूर्णिमा मनाब गेल दंपति के समेत ओहि घटना में पड़ि कर मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। खेत में काम करैत आयल छलहुँ, बस सड़क से नीचा खसल हमसब देखने रही। वो कहलनि हमसब स्थानीय प्रहरी संग मिलकर उद्धार के काज कर रहल छी। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबंधन काठमांडू के पाटन दरबार आगू विरोध सभा के आयोजना कलक अछि। पाटन क्षेत्र स्थित मंगल बाजार में बृहस्पति के बेरिया में आयोजित सभा के विभिन्न नेता कार्यकर्ता सब संबोधन कने छल। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के उपाध्यक्ष रेणु यादव, राजेंद्र श्रेष्ठ लगायत के नेता कार्यकर्ता सब सभा के संबोधन कने छल। फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मधेशक मांग पूरा नहीं होब धरि उपत्यका भीतर आ बाहर समानांतर रूप में आंदोलन के कार्यक्रम सब जारी राखब बतौलनि अछि। सभा के लिम्बुबान मुक्ति मोर्चाक कुमार लिंगदेन सहित के मोर्चा में आबद्ध विभिन्न राजनीतिक दलक दोसर तबका के नेता कार्यकर्ता लोकन अपन अपन मंतव्य रखने छल। बालवाटार आ सिंह दरबार घेर गेल। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा सहित
संघीय गठबन्धन कोनो एक ठाम विरोधके केन्द्रित नै कऽ उपत्यकाक भित्री सहरसहित देशक आन आन प्रमुख स्थान सबपर सेहो विरोध सभा करके कार्यक्रम तय कयने अछि। जनकपुरक सर्वसाधारण सबसँ पुछनेसम्म प्रमुख प्रशासनिक निकाय घेराव करके लक्षित कऽ काठमाडौँमे आन्दोलन शुरू कयने मोर्चाके आन्दोलनके कार्यक्रम सब परिवर्तन कयल गेल सम्बन्धमे अपने सबके कहबाक की अछि। अहाँक पास कहना कहना संघीय गठबंधनके निर्णय एना तऽ कहल जाय तऽ ठीके है, आब लेकिन मधेशियो जनता गठबंधन पर कुछ विश्वास कर रहल है कि या पहले तऽ मधेशेमे लड़ी कटै छलैए, आब राजधानी केन्द्रित बनेलकै यऽ, राजधानियोमे ओ सब देखा रहल यऽ अपन अधिकार अपन पहचानके आंदोलन है। ओहू जाके जे नेता सब जेना ओली नेतृत्वके नेता है जे उच्च श्रृंखला युवा सब ओहि जे करै छलै मालेके ओहि बीचमे अपने न्यूजमे सुनलहि होबै जे एहि जगह आंदोलनमे ओहू जगह किछु गड़बड़ होइत रहै, तऽ ओहि जगह किछु जनतोके अहाँके मालूम होइ पड़लै कि हँ कि मधेशीके माँग जे है से जाइ छै कि नहि जाइ छै। काठमाण्डूमे सिंह दरबारसँ लऽ कऽ बलुआ डर तक होइ अपनेके आंदोलनमे घाइती भेल, आ हुनका सबके बुझौलैए कि वास्तविकमे मधेश आओर मधेशीके आंदोलन मधेश विरोधी आंदोलन नहीं है, देश के विरोधी आंदोलन नहीं है, ये राष्ट्र मजबूत के आंदोलन है। निर्णय बहुत बेहतर निर्णय भेलै एहि लेल कि मधेश के जे है जे खसबाजी सब जे आधार से जे बर्बाद कलकै यऽ, मधेश में कोई विकास नहीं हो देलकै यऽ, मधेशी अपन जे है जे मांग कर रहल है बहुत अच्छा मांग है और एकदम जरूरी है, दूटा देश दूटा प्रांत एहिठाम होबैके चाही। सम्पूर्ण नेपाली जनता के साथ में समर्थन दीजिए कि यहाँ मधेशी पूरा सम्पूर्ण मधेशी नेपाल काठमाण्डू में जे दमंग कल के दमंग न करो, ओहिमे भलाई के पी ओली प्रधानमंत्री के आगे चल के और बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होते या बहुत बुरी हाल हो जाती नेपाल के, यही लिए अपनी भलाई सोचते हुए नेपाल के देश की इज्जत बचाते हुए अपना देश की इज्जत बचाते हुए मधेशी चाय बेल के मधेशी के संविधान पूरा हक अधिकार पूरा करो। मधेशी गठबंधन कहक मतलब ओकरा सबके मांग जे है मांग पूरा भेनाइ जरूरी है, जब तक मांग नहि भऽ रहल छै तब तक कहक मतलब जे अहाँके कहै छी आंदोलन के स्वरूप परिवर्तन कहक मतलब कऽ कऽ जे किसिमसँ कहक मतलब ओ गठबंधन जे किसिमसँ निर्णय कयने छै निर्णय बढ़िए निर्णय छै। संघीय गठबंधन जे केन्द्रके साथ साथ अन्य भी मधेशके जिला सब या पहाड़ी जिला पोखरा सब अन्य लगाए आंदोलनके जे एकटा घोषणा कयने छै ओ आंदोलन हमरा ख्यालसँ सही छै। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सरकारके विरुद्धमे अपन भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघके सडकमे उतार्ने अछि। कांग्रेस कालाबाजारी नियन्त्रण गर कोनो पहल नै केने कहैत नेवी संघके सरकार विरुद्ध सडकमे उतारि देने अछि। नेवी संघ बृहस्पति दिन काठमाडौँमे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीके राजीनामाके माग करैत वृहत प्रदर्शन कयलक अछि। जनताके जीविकासँग सम्बन्धित विषयके व्यवस्थाक फकरा पढ़मे मात्रे आ हवादारी भाषण करमे मात्रे केन्द्रित भेल कहैत नेवी संघ प्रधानमन्त्री ओलीके राजीनामा माग करैत प्रदर्शनमे उतरल अछि। नेवी संघ सरकारके विरोधमे काला झण्डा सहित शङ्ख बजा कऽ प्रदर्शन कयलक अछि। नेवी संघ प्रदर्शनी मार्ग स्थित वाल्मीकि कैंपससँ भद्रकाली शहीद गेट होइत शान्ति वाटिका धरि प्रदर्शन कयने छल। नेवी संघक नेता कार्यकर्ता लोकनि प्रधानमन्त्री ओली गैर जिम्मेवार रूपमे प्रस्तुत होबय लगलासँ प्रदर्शन कयने कहैत सरकार विरुद्ध आन्दोलनके थप कार्यक्रम लेबाक धारणा रखलक अछि। हिँड्न थालेको कारणले गर्दाखेरि यो सरकारको विरुद्धमा गरिएको उठायो। ओली सरकारको संरचना भएको कालोबजारी मङ्गी र शैक्षिक क्षेत्रमा भएको माफियाकरणका विरुद्धमा एउटा खबरदारी प्रदर्शन गरेका छौँ र यदि सरकारले यो संरक्षण गरिरहने जनताले ग्यास पेट्रोल नपाउने मङ्गी अचाडली हुने भने हामी यो सरकारको राजीनामाको माग गरेर केपी ओली सरकारको विरुद्धमा थप सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू हामी तय गरेका छौँ, त्यो कार्यक्रमसहित हामी आउँछौँ र आज नेवीसँगै साङ्गीतिक रूपमा यो विरोध कार्यक्रम प्रदर्शन गरेको छ। सरकार विरुद्धके प्रदर्शनमे नेवी संघके सरकारी नियम अपन प्रतिबद्धता अनुसार विद्यार्थी सब प्रयोग कयने छल आ व्यापक सहभागिता देखल गेल छल। नेवी संघ स्कूलके विद्यार्थी सबके कारी झण्डा सहित नाराबाजी कर लगौने छल।
विद्यालय शान्ति क्षेत्र सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार स्कुलके विद्यार्थी सबके सभा आ जुलुसमे सहभागी नै कराबके नियम अछि। मातृका यादव नेतृत्वके नेकपा माओवादी सेहो माओवादी सबके एकीकरण प्रक्रियामे सहभागी भेल अछि। बृहस्पति दिन माओवादी सबके एकता पश्चात निर्माण भेल। नेकपा माओवादी केन्द्रमे मातृका यादव सेहो अटायल छथि। एकता पश्चात पत्रकार सबसँगे बातचित करैत अपन टेलिभिजन सँगेके बातचितमे ओ कहलखिन, हमर प्रधान मुद्दा मधेस अछि आ एहिपर हम अडिग रहब। मधेसके अधिकार नहि देल गेल तऽ नेपाल एकीकरण होबऽ नहि सकबाक बतबैत यादव कहलनि, मधेस बिनाके नेपाल परिकल्पना नहि कयल जा सकैए। मधेस अधिकार प्राप्त करत तहन मात्र नेपालके एकता होबऽ सकत, नहि तऽ नेपालके एकता असम्भव अछि। ताहिसँ हमर प्रधान मुद्दा मधेसे रहत। यादव कहलनि, मधेसके माग पूरा कराइएके देशके अगाडि बढ़ाबैके जरूरी अछि, जाहिके लेल मधेसी पहाड़ीके एकताके आवश्यकता रहल हुनक कहब छलनि। ओही कारणसँ एकीकरणमे गेल छी, ओ तर्क रखने छथि। मण्डले राष्ट्रवादके चिन्तन अनुसार मधेस हमर अछि आ मधेसी बहरिया अछि कहि कऽ चिन्तन हटाबैके जरूरी रहल हुनक कहब छलनि, जाहिके लेल हम सेहो सङ्घर्ष कऽ रहल छी, मातृका यादव बतौने छल। 2560 बुद्ध जयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसके तैयारी अन्तिम चरणमे पहुँचल अछि। प्रधानमन्त्री संयोजकत्वमे नेपाल सरकार अपनेसँ पहिल बेर बुद्ध जयन्ती मनाबऽ लागल अछि। एहिसँ आगू लुम्बिनी विकास कोष बुद्ध जयन्ती आयोजना करैत आयल छल। बुद्ध जयन्ती मनाबक लेल गौतम बुद्धके जन्मस्थल लुम्बिनीके चारू कातसँ सिंगारल जा रहल अछि। लुम्बिनी परिसरमे रहल विभिन्न गुम्बासभ आ मायादेवी मन्दिरके दुल्ही जकाँ सिंगारके काज भऽ रहल अछि। लुम्बिनी पहुँचल स्वर्गद्वार निर्माण, सरसफाई, मञ्च निर्माण लगायतके काम धमाधम भऽ रहल अछि। लगपासके क्षेत्रमे नेपाल सहित विभिन्न देशके झण्डा आ ध्वजा सब सेहो रङ्गी चङ्गी रूपमे सजाओल जा रहल अछि। लुम्बिनीमे सरसफाई, रङ्ग विरङ्ग करके लगायतके काम सब सम्पन्न भेल आ बुद्ध जयन्ती मनाबक लेल लुम्बिनीमे पाहुन सबके स्वागत करऽ लुम्बिनी विकास कोष तैयार रहल। कोषके सदस्य सचिव अजित मान तमाङ बतौलनि, काठमाडौँमे चलि रहल दू दिवसीय बौद्ध सम्मेलनके समापन भेल पश्चात जेठ 8 गते लुम्बिनीमे बुद्ध जयन्ती मनाओल जायत। कूटनीतिक नियोगके प्रमुख सब, विभिन्न देशके राजदूत सब, सङ्घ संस्थाक प्रतिनिधि सब लगायतके पाहुन सब बृहस्पति दिन काठमाडौँमे शुरू अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनमे समापन भेल सँगै लुम्बिनी पहुँच जायत बताओल गेल अछि। कोषक सदस्य सचिव तामाङके अनुसार भारतीय राजदूत रञ्जित रे चीन, थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का, बर्मा, जापान, कोरिया कऽ कऽ 7 देशके राजदूत सब बुद्धके जन्मस्थल लुम्बिनी आबिकऽ बुद्ध जयन्तीमे सहभागी होयबाक तय भऽ गेल अछि। बुद्ध जयन्तीके मध्यनजर कऽ जिला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही सुरक्षा व्यवस्था कड़ा कयने अछि। शान्ति प्रक्रिया पश्चात विभिन्न समूहमे विभाजित माओवादी सब एक भेल अछि। एकीकृत नेकपा माओवादी, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, वामपन्थी एकता मञ्च, गौरवशाली पार्टी नेपाल लगायतके विभिन्न 10 अलग अलग माओवादी घटक दल सब एक भेल अछि। उ 10 घटकमे ए माओवादी छोड़ि कऽ नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी होइत किछु समय एम्हर निष्क्रिय रहल जयपुरी घरतीके सेहो गणना कयल गेल अछि। 10 माओवादी घटक बृहस्पति दिन काठमाडौँके बबरमहल स्थित पार्टी एकटा पार्टी प्यालेसमे संयुक्त अधिवेशन कऽ कऽ पार्टी एकताके घोषणा कयलक अछि। एकता पश्चातके पार्टीके नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र राखल गेल अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र संयुक्त अधिवेशनसँ 699 सदस्य महाधिवेशन आयोजक समिति गठनका पुष्पकमल दाहालके अध्यक्ष चयन कयल गेल अछि। एकता प्रक्रियामे नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीके अध्यक्ष मोहन वैद्य, नयाँ शक्तिके संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेकपा माओवादीके महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव लगायतके नेतासब सहभागी नै छल। वैद्य आ चन्द संयुक्त विज्ञप्ति जारी कऽ कऽ माओवादी एकताके दक्षिणपन्थी हावा बिहारके संज्ञा देलक अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रके अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादी सब विभिन्न समूहमे विभाजित भेलासँ परिवर्तनके एजेन्डा सब धरापमे पड़ल कहैत वैद्य चन्द आ नयाँ शक्तिके संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईके सेहो एकता प्रक्रियामे सहभागी होबऽ आग्रह कयलनि। ओ विभिन्न माओवादी घटकसँ बीचके एकतासँ माओवादीके विजयके तथा गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिरपेक्षता लगायतके परिवर्तनके एजेन्डा सबके कमजोर बनाकऽ माओवादीके अपमानित करऽके प्रवृत्तिके पराजयके दिन शुरू भेल धारणा रखलनि। माओवादीको पराजयका दिन सिद्धिए, विजयको सुरुवात भएको छ। माओवादी जसले यो देशमा सङ्घ
गर्नको निम्ति यो देशमा धर्मनिरपेक्षता र सामाजिक न्याय समानुपाति समावेशीको निम्ति हजारौँको बलिदान गरेर एउटा युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव बनाएको थियो। यसको पराजयले ती परिवर्तनका एजेन्डा पराजय हुने, यो राष्ट्र पराजय हुने प्रक्रिया त्यसको अन्त्य भएको छ। गणतन्त्र ल्याउने, एकात्मकताको अन्त्य गरेर सङ्घीयता ल्याउने, समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त ल्याउने, धर्मनिरपेक्षता ल्याउनेलाई कहिले पनि कमजोर ठान्ने, त्यसमा अपमानित गर्ने प्रवृत्ति जो गर्दै थियो, त्यो प्रवृत्तिको अब पराजयको दिन सुरु भयो, जनताको विजयको दिन सुरु भयो। म यही कुरा यहाँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल माओवादी घटक सबकी एकता सह सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आ बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगके शान्ति सम्झौताके भावना विपरीत काम करक लेल दबाव देव सहयोग भेटत से बतौलने से ओ पार्टी आप समाजवादी क्रांति के तैयारी में लागल कहित ओई के लेल सड़क सदन आ सरकार में संघर्ष करबाक जका कार्य दिशा तय कयल गेल बतौलन। कार्यदिशा महाधिवेशनसम्म जाँदा नयाँ संश्लेषण र नयाँ विकास गरेर नेपाली क्रान्तिलाई एउटा नयाँ चरणतिर लैजाने प्रतिबद्धता हामीले कार्यदिशामा गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले सङ्घर्षका सबै रूपहरूको प्रयोग गर्ने, सडकबाट, सदनबाट र सरकार सबैतिरबाट नेपाली जनताका पुरा हुन बाँकी मुद्दाहरूलाई संविधान संशोधन गरेर पुरा गर्न बल गर्ने, सडकबाट लिने क्रान्तिको तयारीलाई प्रधानता दिने सदन र सरकारको कामलाई पनि जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा अधिकतम उपयोग गर्ने हामीले नीति पारित गरेका छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पार्टी आ पुराना कार्यशैली पूरे परिवर्तनका बेपत्ता तथा शहीद परिवारके आँसु पोचका धुरा सपना पूरा करके काम करत बतौलने छ। ओहिके लेल पार्टी के केन्द्रीय सदस्य सबके गाउँ गाउँमे परिचालन करबाक बतौलन। पार्टी एकता घोषणा सभामे दाहाल आ रामबहादुर थापा बाहेकके नेता सब सेहो किछु नै बजने छल। दाहालके मन्तव्य पश्चात माओवादी नेता सब पार्टी एकता जिन्दाबाद नारा लगबैत कार्यक्रम स्थलसँ बहरायल छलन। शान्ति प्रक्रिया पश्चात विभिन्न समूहमे विभाजित भेल माओवादी सबके 10 विभिन्न घटक दल सब फेरसँ एकीकृत भेल अछि आ पार्टीके नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र राखल गेल अछि। अपने सबके जानकारी करने छलहुँ आ एहि एकतामे मधेशके आन्दोलनमे सक्रिय भूमिका निर्वाह कयने मातृका प्रसाद यादवजी सेहो एकीकरण कयने छथि आ ओ सेहो एहि एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रमे सहभागी भेल छथि। तऽ हुनका सङ्गे बातचीत करब अपन न्यूजमे टेलिफोन प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क पर छथि काठमाडौँसँ। मातृकाजी स्वागत अछि अपन न्यूजमे। धन्यवाद अपने सबके। अपने एकता कयने छियै 6 महिनाके लम्बा मधेश आन्दोलनमे अपने सक्रिय रहिए। अपने इहो कहिए जे हथियार उठाबऽ पड़तै तऽ हथियार उठायब, मुदा जै प्रचण्ड जीके अपने आन्दोलनके क्रममे प्रचण्डवा कहिए हुनकासँ फेर मितवा लगेने छियै, ई केना भऽ गेलै? प्रचण्डवा तऽ नीक कहल कहियो, कड़ा आलोचना करै छलियै हम जी, एजेंडा छोड़ि देलकै की कहै छलियै, आइ ओ एजेंडा स्वीकारलकै यऽ जी। ताहि दुआरे हमरा सबके की की स्वीकार केलक? एकता लेल की स्वीकार केलक अपनेके एजेंडा? अहाँके मतलब राष्ट्रीय पहचान जी, मधेशक राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समान मताधिकार और श्वेत शासन शासन मुख्य छै, मतलब मधेश मुक्ति के आधार से लिखित रूप में स्वीकारल गेलै। दोसर में देश आंतरिक उपनिवेश के स्वीकार मतलब अथी से तकरो स्वीकारल गेलै जी। हम सब मधेश आंदोलन के लिए मधेशो आंदोलन के स्वीकारल गेलै। मुख्य बात ई सब स्वीकारला के बाद में हम सब मधेश के समस्या हल करे के लिए हम सब थे प्रतिबद्धता के साथ सब गोरा मतलब एक ठाउँ में गेलिए। अपने कहलिए जे हमर एजेंडा सब प्रचंड जी स्वीकार केलखिन, ते दुआरे हम सब एक ठाउँ में आयल छी। माओवादी के एजेंडा रहे पहिन जी, उहे बात हम कह रहल छी, माओवादी के एजेंडा जे प्रचंड जी छोड़ देने छले जी, अब ओ के फिर स्वीकारल। तऽ संविधान सन के एकटा दीर्घकालीन दस्तावेज में जत जाए कर प्रचंड जी हरेश खा जाए छे आ अपना ही कहने रही नस्लवाद चिंतन में वो समर्पण कर दलखिन, तो अपने के की बुझाए जे कतेक भरोसा करी छी उनका पर आगामी दिन में? मतलब आउ तो भरोसा पर विश्वास पर करते गेला अपना अखन तो स्वीकारल के तो विश्वास के लिए
आ कते करते जते अति हमरा सके करते तब ना उएन गेलिए नहीं किनको नहीं विश्वास है तो जेबे नहीं कीर्ति नहीं अब देखल जाए मतलब अब व्यवहार से सब देखल जाए है ना कते करी नहीं करी एकरे कला से तो नहीं होते सब मधेशी सब किसी एकजुट हो पड़ते माओवादी भीतर के मधेशी सब सेहो के मतलब तैयारी हुआ पड़ते है ना सभी माओवादी मधेशी सब जो तैयार भ जाओ है ना मधेश की जनता तैयार भ जाओ मधेश की और पार्टी सब जो तैयार भ जाओ तो हमारा वह मधेश के मतलब आंदोलन के क्यों नहीं रोक सकते अपने के एजेंडा सब है खाली प्रचंड जी के स्वीकार करेला सब एक सार्थकता नहीं मिलते वा कही अपने के एजेंडा प्राप्त नहीं हैत वा मांग पूरा नहीं हैत तो अखन के जे राजनीतिक माहौल छे लड़े पड़ते सुन ना जी वोन पार्टी स्वीकारल के नहीं हो है ना नहीं सबके मिलकर लड़े पड़ते स्वीकारते मात्र छू मंत्र भगरी से वाला बात सबके मिलकर तो लड़े पड़ते लेकिन प्रचंड जी के जे अखन धर के एक व्यक्तित्व कही चरित्र कही मधेश प्रति के रहा अपने ही सब कहने रहिए जे कहले लव पर्छ भन्छ आई प्रतिबद्धता भेलिए क्या हम सब गलती चलती कैली या फिर मत रूपांतरण भक एकता कर पड़ते है ना विगत की गलती सब नहीं दोहरा पड़ते आ मधेश के समस्या हल बिना राष्ट्रीय एकता नहीं होती की क्या हल की अब एकता के बाद अपने आगा केना बढ़वे अब हम सब बैठ के प्लान सब बनेबे ना केना आगे जाए छे एकटा बात अपने सारो अपने एकता कलेला के बाद एखन के जे आंदोलन भ रहल छै काठमांडू में संघीय गठबंधन कर रहल छै ओहि में अपने के विचार की हम तो वो समर्थन केने छी ओहि जाके बैठलियै जी अपने बैठल रहिए हम सब देख हम निरंतर हम ओहि आंदोलन के समर्थन रहते निरंतर सहभागिता सब रहते आ लेकिन गलत नेतृत्व के भंडाफोड़ हम सब दिन करै छी जी है ना जनता के साथ एकवत्ता रहते नेतृत्व के भंडाफोड़ करबे एकटा बात इहो आबि रहल छै चर्चा के विषय बनल छै जे एकीकृत नेकपा माओवादी में बाबूराम अलग भ गेले विभिन्न नेता सब अलग भ गेला के बाद मधेश में ओहि पार्टी में लीड करे वाला नेता नहीं रहे तै दुआरे बढ़िया अवसर भेटले मातृका जी के तै दुआरे एकता कयने छै सेहो बात आबि रहल छै मातृका के अवसर के जरूरत नहीं मातृका के मतलब ओहि पार्टी से जिया निकलल की हमरा मंत्री पद नहीं देने रहे सभासद पद नहीं देने रहे जी हमरा कथी नहीं देने रहे है ना जे पद लोलुप्त सबसे छह मतलब पद के मतलब बेसी एकरा कौन पद मिलले पद पर देखी हमारे एजेंडा पर अहाँ सब देखू ना हमर कहब आ जे सब पद के बात करी तो एकरा कहू एजेंडा पर देखो ठीक है मतलब आप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र जे बनले या ओकर नेता मातृका यादव संघीय गठबंधन जो ने मधेश के मार्ग संबोधन के लिए समन्वय करते उसे तो हमारे गप ही नहीं कर ले चाहिए कहियो आप तो अपने एक बड़का पार्टी के नेता भेलिए ना सुन हमरा हमरा जे गप नहीं करते उसे प्रचंड जोड़े देते गप कर रहा है लेकिन समन्वय तो अपने करबे ना प्रचंड के संगे गठबंधन मिलावे हम केला मिलावत जेबे हम जनता जोड़े रहबे जनता जोड़े बात करबे उ सब गप नहीं करते चाहे हम बहुते नेता के देख लिया के जी हम हाथ मिलावे गेली त जे अपना मधेश के मसीहा थानी से मतलब आके हाथ मिलल के अब लोग बदबो नहीं के काठमांडू के आंदोलन में काठमांडू के आंदोलन में नहीं जनकपुर के मतलब एयरपोर्ट में जी आ वही दिन जब अपने गेल रहे काठमांडू में बैसला तो वही लग केहन कोऑर्डिनेशन केलक अपने से संयोग से जे साथी से बड़ा मिली थी मधेश आंदोलन में जे सब है जे सब रहे हुई है जी वही महेंद्र राय यादव सब रहे है ना ते द्वारा अपने से बनिए ओला अति भेले हां आ कते गोरा के त हमरा देखते मात्र आके माथा ठनक लगी तो अब मधेश के एजेंडा आ मुद्दा संबोधन कराबे के लेल आ वर्तमान सरकार के दबाव देबे के लेल अपने के आप एक अपने के पार्टी से सरकारे में कहा पड़ते आप तो ऐ सब के लेल आप की कर पड़ते अपने के विचार में मतलब हम सब आप बैठ रहे केंद्र समिति बैठते जी नौ गोटे के हम सब बैठ रहल छे वहीं छल फल वहीं शुरू होते है ना मतलब आके संगठनात्मक अथी केना काम मिलाएल जेते से बात है ना ताहिके बाद नव अगाड़ी केना अखन तो नीतिगत रूप में स्वीकारल के नहीं अब कार्यक्रम ना बनाव पड़ता है अब कार्यक्रम बना कर तब हम सब अगाड़ी बढ़ते वही पार्टी के गोटे नेता राम कार्की जी कहलखिन जी बैलून हो जति बेला पनि विस्फोट हुन्छ ई कथी के संकेत छले अब केना कहलके राम कार्की जी के बड़ा बात नहीं अखन नेपाल में कथी छे अहाँके कम्युनिस्ट आंदोलन भीतर में आरो अहाँके राष्ट्रीयता जोगाव के नाम पर मंडली राष्ट्रवाद हावी
होइन आ मण्डले राष्ट्रवाद एहन चीज छै अहाँके जे विखण्डनके बीउ रोपि रहल छै होइन मधेसी मधेश चाही मधेसी नहि चाही अहाँके ई बात अहाँके बहुते जगह दिमागमे छै मधेस बुझै छी कि हमर बपौती वीरता आबै आ मधेसिया सब भागि कऽ आयल छी कतौसँ से बुझै छी ओते गोराके चिन्तन छै कि मधेसमे जमीन्दार भऽ कऽ मधेसके लूटी मधेसमे नेता बनि जाय वोट लऽ कऽ अहाँके मतलब मधेसियाके अधिकार नहि दी मतलब दास बना कऽ रखी कामदार होइ छै ने कामदार ताहिके रूपमे बहुते गोराके चिन्तन छै आ ओ चिन्तन अहाँके अखनीके कम्युनिस्ट आन्दोलनके सबसे बड़का खतरनाक प्रवृत्ति छै हमसब ओहि प्रवृत्तिके विरुद्धमे संघर्षरत छी के कथी कही नहि कही हमसब ओते नहि बुझै गेल छी आब आब बैलून केना कऽ फुटतै सकारात्मक रूपमे फुटै वाला बात है कि नकारात्मक रूपमे फुटै वाला बात है से तऽ रामे कार्की जरूरत छै अपने अंतिम प्रश्न अपने मधेस आंदोलन के क्रम में बेर बेर कहिए जे हमरा सबके एना के नहीं हैत आब हथियार उठा कर स्वतंत्र होबे के लेल आ अलगे राष्ट्र के लेल सेहो लड़ पड़े के अवस्था आज से कहत रही आइयो अपना बजब बेर में हम कहलिए जी सरकार हथियार रखो आ गोली मारू जनता के आ जनता मुंह तकित रहते आवश्यकता पड़ते बंदूक उठाएल जेत सेहो कहलिए ओहन आवश्यकता पड़ते यदि अपने सबके अपने के विचार जो होय पार्टी में जे आब की करे पड़े तो अपने के बुझाय प्रचंड अपने के साथ में रहत अब रहते नहीं रहते से पछाड़ी के बात भले डॉक्यूमेंट में लिखे लिए अब मतलब आवश्यकता अनुसार बल प्रयोग के सिद्धांत प्रयोग कर लेते बहुत बहुत धन्यवाद मातृका जी अपना हूँ सबके धन्यवाद दर्शक बिंदु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जे आइए एकीकरण पश्चात जे पार्टी के नामांकन कैल गेल छै 10 पार्टी सब मिलकर पार्टी बनल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्र ओकर नेता मातृका प्रसाद यादव जी छलखिन जे मधेस आंदोलन में आ संघीय गठबंधन के अखन के काठमांडू के आंदोलन छै ओहिमे सेहो सक्रिय सहभागिता जना रहल छथिन आ हुनकर उपस्थिति रहै छै आंदोलन में कहलखिन जे हमर एजेंडा सब मधेस प्रति के जे हमर भावना है हमर एजेंडा सब है ओहि के स्वीकार करेला के बाद हम व्यक्तिगत एकता में गेल छी प्रचंड जी कहलखिन जे अपने के एजेंडा ठीक है मधेस के लेल अपने के जे सब एजेंडा सब है ओहिमे हम सकारात्मक छी आ अपने के एजेंडा पूरा करे के लेल अपने के सहयात्री भऽ कऽ आगाँ बढ़ब तकर बाद ओ एकता में गेल जानकारी करौलखिन आब चली अगिलका समाचार सब दिस प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 2 वर्ष भीतर नेपाल में पेट्रोल उत्पादन कऽ कऽ देखा देबाक दावी कयलनि अछि प्रधानमंत्री ओली नेकपा एमाले निकट पत्रकार सबके संस्था प्रेस चौतारी के 8 राष्ट्रीय अधिवेशन के बृहस्पति दिन काठमांडू में उद्घाटन करैत दक्षिण सँ पेट्रोल लौला पर हैरान भेला सँ 2 वर्ष भीतर नेपाल अपन पेट्रोल उत्पादन कऽ कऽ देखाओत दावी कयलनि भारत नाकाबंदी लगौलाक पश्चात सरकार चीन सँ ईंधन लेबाक प्रक्रिया अगाड़ी बढ़ौने में प्रधानमंत्री ओली आप चीन सँ पेट्रोल लेबाक इच्छा नहि करब बल्कि नीति आ कार्यक्रम सहित योजनाबद्ध रूप में 2 वर्ष भीतर नेपाले में पेट्रोल उत्पादन कऽ कऽ देखायब दावी कयलनि म भन्न चाहन्छु 2 वर्षभित्र नेपालमा आफ्नै पेट्रोल उत्पादन गरेर भएको यो हवाई कुरा होइन यो हाम्रो योजनाका साथ नीति कार्यक्रमका साथ म भनिरहेका 2 वर्षभित्र हामी पेट्रोल उत्पादन गर्दैछौँ प्रधानमंत्री ओली पेट्रोल उत्पादन के लिए दैलेख में सर्वेक्षण के काज शुरू भऽ चुकल बतौलन ओ रेल चलेबाक पाइपलाइन मार्फत गैस बाढ़बाक तथा सड़क चौड़ा करक लगायत के विकास निर्माण के बात कैला पर बुद्धिजीवी सब अपना आलोचना कने उपराग सुनौलन ओ स्वयं एखन आम जनता से बेसी किछ तथा कथित बुद्धिजीवी के आलोचना से हैरान भऽ रहल बतौने छल जुन देशको समुद्र छैन तिनले पानी जहाज चलाएका छन् कि छैनन् त्यो थाहा पाउनु पर्यो कि परेन अलिकति यो समुद्र भनेको जसको किनारा जोडिएको छ त्यसको मात्रै समुद्र हुँदैन अरूले पनि प्रयोग गर्न पाउँछ त्यसै कारण हामीले भारतसँग पार्वन सम्बन्ध राखेका छौँ सन्धि गरेका छौँ चिनसँग सम्झौता गरेका छौँ यसकारण कि हामी प्रयोग अरूले पनि गर्न पाइन्छ जसले समुद्र जसको सिमानाले समुद्र छुँदैन त्यसले पनि प्रयोग गर्न पाउँछ प्रधानमन्त्री ओली नेपाल अपने पानी जहाज चलाओत कहिकऽ
स्वयं कने भाषण के आलोचना भेल प्रति उपराग व्यक्त कैलने ओ समुद्र संग नई जोड़ल गेल संसार के बहुते देश सब पानी जहाज चला रहल उदाहरण दैत भारत आ चीन संग परिवहन समझौता समझौता के नाता से नेपाल सेहो अपने पानी जहाज चलाकर सामान ढुवानी कर सकत बतौलन। कार्यक्रम में लोकप्रिय गायक बद्री पंगेटी गीत मार्फत सिगात्से के रेल आ चीन के ईंधन कहिया आयत के का प्रधानमंत्री ओली के प्रश्न कने छल। लोक गायक पंगेनी श्रमजीवी पत्रकार सब सरकार तोकने न्यूनतम पारिश्रमिक 19,500 रुपया कहिया से पाओत कहिक समेत प्रश्न केने में प्रधानमंत्री ओली महीना मरला के बाद कहिक जवाब देने छल। कार्यक्रम में प्रेस चौतारी नेपाल पत्रकार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष शिव गावले के हृदय चंद्र सिंह पत्रकारिता पुरस्कार, वेबराज अर्याल के अग्नि शिखा स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, दिलीप कुमार सिंह के वीरेंद्र शाह स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार तथा यज्ञराज थापा के डिकेन्द्र राज थापा स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान कने छल। प्रेस चौतारी के अधिवेशन 3 दिन धरि चलत। नया नेतृत्व चयन करबाक अधिवेशन में 700 से बेसी पत्रकार सहभागी अछि। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन काठमांडू में शुरू भेल अछि। 2560 बुद्ध जयंती के अवसर पारि कऽ सरकार के आयोजना में बृहस्पति दिन काठमांडू में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन शुरू भेल अछि। सम्मेलन के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली उद्घाटन कयने छलनि। सम्मेलन में भारत, चीन, अमेरिका, थाईलैंड, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया लगायत के 21 देश के 385 गोटे प्रतिनिधि सहभागी भेल छथि। संयुक्त राष्ट्र संघ सेहो सम्मेलन में सहभागिता जनौने अछि। सहभागी मध्य अधिकांश चीन के अछि। चीन से मात्र 302 गोटे सहभागी भेल। सम्मेलन के सचिवालय प्रकाशन केने कार्यक्रम पुस्तिका में उल्लेख अछि। भारत से जम्मा 9 गोटे प्रतिनिधि सम्मेलन में सहभागी अछि। सम्मेलन में विभिन्न देश के बौद्ध धर्मगुरु आ विज्ञ सब के 18 कार्यपत्र प्रस्तुत करबाक कार्यक्रम अछि। सम्मेलन के उद्घाटन के क्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल गौतम बुद्ध के जन्म स्थल मात्र निभ बुद्ध धर्म के स्रोत भेल उल्लेख करैत लुम्बिनी से अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध अध्ययन केन्द्र के रूप में विकास कर लागल जानकारी करौलनि। Pilgrims and Islamists from all over the world. It has also become a center for the study of and research on international Buddhism. The government of Nepal is fully committed to promote Lumbini as the birthplace of the Buddha and the fountain of Buddhism. We are effortful to protect and preserve the archaeological relics in the greater Lumbini area. सम्मेलन शुक्र दिन भोर धरि चलत। सम्मेलन के सहभागी सब शुक्र दिने 2560 बुद्ध जयंती मनाबक लेल लुम्बिनी जाय के कार्यक्रम अछि। लुम्बिनी में जेठ 8 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के उपस्थिति में बुद्ध जयंती मनेबाक कार्यक्रम अछि। बुद्ध सम्मेलन के घोषणा पत्र लुम्बिनी के सार्वजनिक संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ओतै प्रतिवेदन सार्वजनिक करबाक जनौलक अछि। SLC आ +2 के परीक्षा द कऽ बैसल विद्यार्थी सबके लक्षित कऽ उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ हिसान शैक्षिक भेला शुरू कयलक अछि। हिसान उच्च माध्यमिक शिक्षा नेपाले में हिसान उच्च शिक्षा नेपाले में कहिक नारा साथ काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में कयने तेसर शैक्षिक मेला के बृहस्पति दिन शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल उद्घाटन कयलनि। मेला में +2 स्नातक तक के अध्ययन अध्यापन कराबे वाला विभिन्न 63 शैक्षिक संस्था सब अपन स्टॉल रखने अछि। विद्यार्थी सब के विदेश में अध्ययन कर जाय के लेल प्रेरित कर वाला शैक्षिक कंसल्टेंसी सब के मेला में सहभागी नहीं कराओल गेल अछि। विद्यार्थी सब के +2 आ स्नातक तक में अध्ययन करबाक विषय तथा शैक्षिक संस्था छनौट कर आसान होत कहिक मेला के आयोजना कयल गेल। हिसान के अध्यक्ष रमेश सिलवाल जानकारी करौलनि।
ओ स्वदेशमे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरके शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन करबाक संस्था सब रहलासँ गुणस्तरीय शिक्षा अध्ययनके लेल महँगा कर तिर्क विदेश जाय परवला बात भेल कहित सन्देश देव मेलाके उद्देश्य भेल बताउने नै छ। त्यसभन्दा बाहेक विद्यार्थी अभिभावकहरूले अहिले एसएलसी पछिको ग्रेडिङको अवस्थामा जुन कन्फ्युजन छ त्यो कन्फ्युजनलाई क्लियर गर्ने मौका पनि यहाँ प्राप्त हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। नेपालमा भएका राम्रा शिक्षण संस्थाहरू छन् जसले गर्दाखेरि प्लस टू लेभलमा ब्याचलर लेभलमा विदेश जान आवश्यक छैन। नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यसमा यो मेला आयोजना गरेका हौँ। मेला जेठ 9 गते धेर सञ्चालन ह्यात। हिसान 4 दिनके अवधिमे 2,00,000 सँ बेसी विद्यार्थी अभिभावक सब भेला अवलोकन करबाक अनुमान कयलक अछि। अन्तमे हेडलाइन्स एक बेर फेर सँ। नेपाल भारत सीमावर्ती बजारमे बम विस्फोट, 2 गोटेके मृत्यु। लमजुङमे यात्रुवाहक बस दुर्घटना, 8 गोटेके मृत्यु। संघीय गठबंधन द्वारा पाटन दरबार आगू प्रदर्शन, काठमांडू के मीडिया मॉल। 10 अलग अलग माओवादी बीच एकता, अंतिम समय में मातृका सेहो टीम में। 25-60 बुद्ध जयंती एवं लुम्बिनी दिवस के तैयारी अंतिम चरण में पहुंचा। अपन न्यूज एखन के लिए पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रह। नमस्कार।